हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश और आप सभी का एसएससी बुलेटिन में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसमें कौन से बेसिक एलिमेंट होते हैं, वैसा होता है वह रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है। जो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर को हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडक्टर के बारे में। यानी इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर कुछ नहीं होता भाई, सिंपल क्या होता है, जो कंडक्टर होता है। कंडक्टर को क्या करते हैं, हम वाउंड करते हैं। कंडक्टर को क्या 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 करते हैं, हम वाउंड करते हैं। सो क्या फॉर्म हो जाता है, इंडक्टर फॉर्म हो जाता है। यानी एक हद मान लो सीधा कंडक्टर है, सीधा कंडक्टर को हमने टोटली वाउंड किया तो क्या बन जाता है, इंडक्टर बन जाता है। ठीक है, मान लो एक हद सर्किट है, सर्किट में आपने इंडक्टर को लगाया तो क्या होता है, जब भी इस सप्लाई करंट को फ्लो करता है तो उस करंट इस पॉइंट तक तो भाई पूरा सीधा चला जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टरनेट भी नहीं होता, जैसे करंट आ रहा वैसे निकल जाता पूरा से पूरा। पर जब भी वो इंडक्टर के पास आता है तो क्या होता है, टोटल करंट क्या होता है, पूरा घूम जाता है। यानी सीधा नहीं जाता, वो पूरा घूम घूम के इससे निकल जाता है। यानी क्या होता है, जो करंट की वैल्यू जो है कंटिन्यूअसली चेंज होते है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट क्या होता है, जब भी ये करंट इंडक्टर से पास होता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। यानी फैराडेज लॉ क्या कहता है, व्हेन एवर करंट चेंज कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईएमएफ गेट इंड्यूस। सो जो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि जब भी इसमें से करंट पास होता है, वो करंट सीधा नहीं जाता, वो पूरा घूम घूम के जाता है। इसलिए जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट इंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन जो इंडक्टर होता है पैसिव एलिमेंट होता है। क्या होता है, पैसिव एलिमेंट होता है। तो आप बोलेंगे सर ये तो एनर्जी स्टोर करता है, स्टोर करता है यानी कहा तो भी हम तो उसको यूटिलाइज करते होंगे, सो वो तो एक्टिव एलिमेंट होगा, पैसिव क्यों नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये क्या करता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए एनर्जी सेंड कर सकता है, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है, जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर पैसिव एलिमेंट होता है। ठीक है, और इंडक्टर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडक्टर काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर करता है। उसको हम काइनेटिक एनर्जी क्यों बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं बोलते, काइनेटिक एनर्जी इसलिए बोलते हैं कि जो इंडक्टर में स्टोर होने वाली जो एनर्जी है, वो एनर्जी टोटली चेंज होती रहती है। यानी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। जो करंट है, करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए जो स्टोर होने वाली एनर्जी है, ये एनर्जी भी कंटिन्यूअसली चेंज होती है। इसलिए जो इंडक्टर में स्टोर होने वाली जो एनर्जी हो, एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद में जो इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी, उसको हम डायनेमिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। क्यों? सेम कि जो करंट है, करंट कंटिन्यूअसली चेंज होता है, यानी करंट कंटिन्यूअसली चेंज होगा, इसलिए जो स्टोर होने वाली एनर्जी है कंटिन्यूअसली चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको सो दैट हम कंडक्टर को क्या बोलते हैं, डायनेमिक एनर्जी भी स्टोर करते, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस सेम होता है इंडक्टर जैसा। यानी जब भी आप कंडक्टर से करंट फ्लो करते हो, जो फ्लो होने वाला करंट हो कंटिन्यूअसली चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन जो होने वाला जो ईएमएफ इंड्यूस है, वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, नहीं तो हो सकता है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। तो सेल्फ और म्यूचुअल को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ में क्या होता है, एक मान लो एक वायर है, वायर को आपने वाउंड किया तो वहां पे क्या जनरेट हो जाएगा, वहां पे जनरेट हो जाएगा भाई इंडक्टर। ठीक है, जब भी आप इंडक्टर से करंट फ्लो करोगे तब क्या होगा, उस जो इंडक्टर एक कॉइल है उसमें क्या होगी, फ्लक्स जनरेट होगी। ठीक है, जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स की वैल्यू है, जो फ्लक्स टोटली डिपेंड करती है करंट के ऊपर। यानी आपने अगर आपने करंट की वैल्यू बढ़ाई तो क्या होगा, जो होने वाला प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स का है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपने इस होने फ्लो होने वाले करंट को वैल्यू को अगर कम किया तो जो प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है उसकी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सो जो होने वाला जो इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है, वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है, करंट के ऊपर और फ्लक्स के ऊपर। लेकिन जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर। यानी क्या हो गया,
वी इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, यानी जो इंड्यूस होने वाला जो वोल्टेज है वो कौन से वैल्यू पे डिपेंड करता है, फ्लक्स के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो फ्लक्स है फाइ, फाइ किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइ डिपेंड करता है करंट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। सो जो होने वाला जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, ठीक है। बट ये जो इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो खुद में हो रहा है, यानी सेम कॉइल है, सेम कॉइल में से हम करंट फ्लो कर रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सेम कॉइल में ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। सो दैट हम उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। सो क्या हो गया, वी इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी। सो जो इंड्यूस हो रहा है वो किस में हो रहा है, वो हो रहा है भाई इंडक्टर में। सो दैट क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये हो गया सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का वोल्टेज इक्वेशन। अगर आपको किसी ने बोला कि उसका जो करंट इक्वेशन है उसको निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसको यहाँ पे लेके जाओगे, उसको यहाँ पे लाओगे, तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, डी आई इज इक्वल टू वन बाय एल वी डी टी। ये हो गया भाई सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ यानी सिंपली क्या होता है, एक मानो एक कॉइल है, उस कॉइल में से आप जो करंट फ्लो कर रहे हो उसको चेंज कर रहे हो, उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसमें खुद में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उस इंपैक्ट को या उस फिनोमेना को क्या कह सकते हैं, हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, मानो अगर दो कॉइल है, कॉइल वन और कॉइल टू, अगर आपने कॉइल वन में का जो करंट फ्लो हो रहा है वो उस फ्लो वाले वाले करंट को अगर आपने चेंज किया, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, कॉइल टू में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये हो गई फर्स्ट केस। अगर आपने दूसरी केस ली कि अगर आपने कॉइल टू में फ्लो होने वाला जो करंट है उस फ्लो होने वाले करंट को अगर आपने चेंज किया, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, कॉइल वन में ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो मान लो एक कोर है, कोर में कॉइल वन यानी प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल है। अगर आपने इस प्राइमरी कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा हो उस फ्लो होने वाले करंट को अगर आपने चेंज किया, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, वो कॉइल टू में ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस केस को बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। जो है इधर है हम नंबर ऑफ टर्न्स लिए, कॉइल के जो है नंबर ऑफ टर्न्स लिए हुए, सो दैट क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। मैंने पहले ही बोला था कि ये फाई किस कौन से वैल्यू पे डिपेंड करता है, फाई डिपेंड करता है जो जितने अमाउंट में करंट फ्लो होता हो उसके ऊपर फाई की वैल्यू डिपेंड करता है। तो आप बोलेंगे सर इधर यन कैसे आ गया, क्योंकि इधर जो लिया है हमने नंबर ऑफ टर्न्स लिए है यानी यन लिया है। सो दैट जो होने वाला ईएमएफ इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ कौन से वैल्यू पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स एंड दूसरा डिपेंड करता है फ्लक्स के वैल्यू पे, बराबर है। सो दैट क्या हो गया, ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। लेकिन जो फाई है फाई डिपेंड करता है आई के ऊपर, सो दैट क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी। बट ये सब कौन से पैरामीटर के लिए हो रहा है, ये हो रहा है भाई इंडक्टर के लिए। सो दैट क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, बराबर है। अगर आपने इस एन फाई और एल आई कॉन्स्टेंट को बाहर निकाला और उसको इक्वेट कर दिया, यानी क्या किया, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को तो इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना है यानी एल की वैल्यू निकालना है। इस इक्वेशन को आपने जो अगर प्रॉपर अरेंज किया तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। लेकिन अपने को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है फ्लक्स का, फ्लक्स यानी क्या होता है, एम एफ एफ अपॉन रिलक्टेंस। बट एम एम एफ क्या होता है, एम एम एफ होता है भाई एन आई, यानी नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न में से जितना भी करंट फ्लो होता है उस फ्लो होने वाले करंट को क्या बोलते हैं हम, एम एम एफ बोलते हैं। सो एम एम एफ क्या हो गया, एन है। एंड रिलक्टेंस क्या होता है, जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हो उस फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहे हो उनको क्या करता है, अपोज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिलक्टेंस बोलते हैं। सो रिलक्टेंस क्या हो जाता है, एल अपॉन म्यू ए यानी लेंथ अपॉन म्यू ए, ये यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, बराबर है। अगर अपन ने इस फाई की वैल्यू इस एल के इक्वेशन में पुट की तो क्या हो जाता, एल इज इक्वल टू एन आई इंटू एन आई अपॉन एल बाय म्यू ए, बराबर है। यहाँ पे जो है ये आई आई कैंसल हो जाता है और इसका क्या हो जाता है, स्क्वेयर हो जाता है, यानी यल इज इक्वल टू एन स्क्वेयर म्यू ए अपॉन यल। बट जो म्यू होता है वो म्यू होता है परमेबिलिटी, मैंने पहले बोला था जो म्यू होता है परमेबिलिटी होता है। म्यू को हम और किस फॉर्म में ले सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर। म्यू जीरो यानी क्या हो जाता है, म्यू जीरो यानी
एब्सोल्यूट परमेबिलिटी हो जाती है, और जो म्यू आर होता है, म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। सो हमको ने क्या किया, इस म्यू को निगलेक्ट किया इंडक्टेंस के वक्त, सो दैट फाइनल इक्वेशन क्या हो जाता, एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए बाय एल। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस का, यानी जब भी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते, जो उसमें जो होने वाला इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है, वो कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है, वो करता है भाई नंबर ऑफ टर्न्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल। बट जो होने वाला इंड्यूस ईएमएफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स, बट कौन से फॉर्म में, स्क्वायर में। अगर मान लो इंडक्टेंस वन है, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या हो जाएगा, उसके स्क्वायर में हो जाएगी। ये हो गया पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंपली क्या होता है, मान लो अगर आपने किसी वन कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू अगर आपने चेंज की, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है दूसरे कॉइल पे होता है, और उसमें क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है। सो आज के वीडियो हमने पूरा जो इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर के जो होने वाला जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कौन से फॉर्म में होता है, एक होता है भाई सेल्फ, म्यूचुअल, ये सब हमने देख लिया। बात नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, क्योंकि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।